हेलो गाइस, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रीन चटनी की रेसिपी। बट ये ग्रीन चटनी में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट लेके आऊँगी जो कि इस चटनी को बना देगा लाजवाब। जी हाँ, बिल्कुल चार चांद लगा देगा आपके खाने में। तो अगर आप चटनी के शौकीन हैं तो प्लीज़ एक बार इस चटनी को बना के ज़रूर खाएं। मैं आपको 200% गारंटी देती हूं कि आप इस चटनी के हो जाएंगे दीवाने। जी हां, बहुत ही लाजवाब होती है और बहुत ही कम समय में ये बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन, उसे दबा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है कोरिएंडर लीव्स, जिसे धनिया के पत्ते भी बोलते हैं। तो इसे मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करके ले लिया है। गाइस, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ग्रीन चिली। तो मैं 2 ग्रीन चिली ली हूँ, आप जितना भी तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी यहाँ पर डालूँगी चटनी में, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और मैं 1 नींबू का रस यहाँ पर ऐड करूँगी। गाइस, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा भी डालूंगी जो कि ऑप्शनल है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीनी ऐड करूंगी। चीनी इससे मीठा नहीं होता है बट इससे कलर बहुत अच्छा उभर के आता है। और जो ट्विस्ट आने वाला है वो आने वाला है मूंगफली के से। जी हाँ, यहाँ पे मैं पीनट डाल रही हूँ, ये कच्चा मूंगफली है। गाइस, आप चाहें तो आप इसे ड्राई रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, बट ऐसे भी ये बहुत ही लाजवाब बनता है। तो यहाँ पे ये ट्विस्ट लेके आने वाला है मूंगफली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सबको मैं कट कर लेती हूँ। तो एक जार ले लें और जार में मैं यहाँ पे कट करके डाल दी हूँ कोरिएंडर लीव्स। अब मैं यहाँ पे पीनट भी ऐड कर दूंगी, साथ ही साथ मैं जितने भी हरी मिर्च और अदरक सबको चॉप करके यहाँ पे डाल रही हूँ ताकि बहुत ही अच्छे से ये पिस जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी जीरा, नमक और चीनी, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नींबू का रस। गाइस, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और इसे बहुत ही अच्छा सा, जैसे चटनी का जो टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम पीस के इसे रेडी कर लेंगे। तो गाइस, बहुत ज़्यादा पानी मत ऐड कीजिएगा, फिर वो खाने में नहीं बनता है और टेस्ट भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इन सबको पीस लेते हैं बहुत ही अच्छे से। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। गाइस, इसमें मैंने कोई भी फूड कलर नहीं डाला है और ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की, जैसे हमें रेस्टोरेंट में मिलता है ना स्टार्टर के साथ जो ग्रीन चटनी, बिल्कुल वही चटनी ये बनकर रेडी होती है। बहुत ही लाजवाब होती है गाइस। तो एक बार इस चटनी को ज़रूर आप भी बनाएं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है इसे बनाना, कोई भी तामझाम नहीं है और बहुत ही लाजवाब भी होती है। तो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी कमेंट हो तो आप, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और गाइस, अगर ये चटनी आपको पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।